हेलो गाइस, टैली फॉर ऑल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम टैली के न्यू रिलीज 6.3 में जीएसटी के सेक्शन 93 जो कि ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस या जीटी के लिए होता है, इनकी एंट्रीज को हम टैली में कैसे पोस्ट कर सकते हैं ये हम देखने वाले हैं। आपका जीटीए रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है, लोकल है या इंटर स्टेट है, इन सभी केसेस में आपको टैली में इसकी अकाउंटिंग एंट्री कैसे करना है, कैसे इस पर आरसीएम अप्लाई करना है और कैसे इसको जीएसटी आर रिपोर्ट्स में शो करना है, ये सब आप आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं। लेकिन शुरू करने से पहले दोस्तों, मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर लीजिए और साथ में बने बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको मेरे आगे आने वाले वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपनी कंपनी में जीएसटी के फीचर्स को इनेबल करना है। उसके लिए आपको प्रेस करना है F11 फॉर फीचर्स। उसके बाद आपको जाना है स्टेट एंड टैक्सेशन में, उसके लिए आपको प्रेस करना है F3। और फिर यहाँ जो पहला ऑप्शन है इनेबल जीएसटी, उसको आप यस कर लेंगे। और फिर सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल को भी आपको यस करना है। और फिर यहाँ पर आपको अपनी कंपनी की जीएसटी डिटेल को फिल कर लेना है। और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा इनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन रिवर्स चार्ज, इसको आपको यस करना है। और उसके बाद इसको आपको सेव कर लेना है। इसको भी आप सेव कर लेंगे। और फिर आपको गेट फॉर टैली में आना है। अब सबसे पहले आपको कुछ लेजर्स क्रिएट करने हैं। उसके लिए आपको जाना है अकाउंट इन्फो में, लेजर्स, और यहाँ क्रिएट पे क्लिक करेंगे। और फिर आपको अपने जीटीए के लेजर्स बनाने हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं रजिस्टर्ड लोकल जीटीए। आप ले लेंगे सेंड्री कैरेक्टर्स में, ये हमारा लोकल है तो स्टेट हमारा सेम रहेगा। और फिर यहाँ पे इसको यस करके इसको ले लेंगे आप रेगुलर, और इसकी जीएसटी डिटेल फिल कर लेंगे। उसको सेव कर लेंगे। ऐसे ही आपको अनरजिस्टर्ड डीलर लोकल जीटीए का बनाना है। ये भी सेंड्री कैरेक्टर्स, इसको क्या करेंगे यस, और यहां पर इसको ले लेंगे अनरजिस्टर्ड। अब हम बनाएंगे रजिस्टर्ड जीटीए, पर वो हमारा इंटरस्टेट होगा। सेंड्री कैरेक्टर्स यस। अब ये इंटर स्टेट है तो हम इसमें हम स्टेट चेंज करेंगे। मैं लेता हूँ पंजाब, इसको यस करके रेगुलर उसकी डिटेल डाल लेंगे। सो कर लेंगे सेव। ऐसे ही बनाएंगे अनरजिस्टर्ड डीलर इंटर स्टेट जीटीए। सिंडिकेटर्स तो कर लेंगे हम पंजाब, यस, और यहाँ ले लेंगे हम अनरजिस्टर्ड, उसको सेव कर लेंगे। अब हमें बनाना है अपना ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस का लेजर, तो बना लेते हैं। का आपका डायरेक्ट एक्सपेंस में इसको करेंगे एप्लीकेबल, इसको करेंगे यस। और यहाँ पर नीचे ट्रांजेक्शन में इसको आप अभी नॉट एप्लीकेबल रहने देंगे, क्योंकि जब हम अपनी एंट्रीज करेंगे तो हम जो हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस का लेजर है वो हमारे जीटीए के नेचर के अकॉर्डिंग ये इसको हमें चेंज करना पड़ेगा, तो हमें इसे अभी नॉट एप्लीकेबल रहने देना है। और फिर यहाँ लेंगे टैक्सेबल। और फिर यहाँ जो ऑप्शन लिखा है इज रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल, इसको आप यस कर लेंगे। अगर आपका ये ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आपको यहाँ प्रेस करना है F12,
यहाँ पर आप देखेंगे नीचे आपको लिखा मिलेगा इनेबल रिवर्स चार्ज कैलकुलेशन, इसको आप यूज़ कर लेंगे और इसको सेव कर लेंगे और फिर यहाँ पे अपने टैक्स रेट जो है वो 5% फिक्स कर लेंगे। इसको ले लेंगे सर्विस और इसको सेव कर लेते हैं। अब बाकी हमारे जो नॉर्मल लेजर होते हैं CGST और SGST के वो बना लेंगे, ड्यूटी एंड टैक्सेस, GST, सेंट्रल टैक्स, ऐसी SGST का, GST, स्टेट टैक्स। हमारा लेजर क्रिएट हो गए, अब हमें वापस जाना है गिफ्ट ऑफ टैली में। अब हम अपनी एंट्रीज करेंगे, उसके लिए आपको जाना है अकाउंटिंग वाउचर में। यहाँ जो एंट्री करनी है आपको करनी है परचेज वाउचर में, तो उसके लिए आप जाएंगे F9। यहाँ सबसे पहले अपनी डेट चेंज करेंगे, प्रेस करेंगे F2 1st of July। और यहाँ पर आपको फिर प्रेस करना है F12 और नीचे आपको एक ऑप्शन लिखा मिलेगा अलाउ मॉडिफिकेशन ऑफ टैक्स डिटेल फॉर GST, आपको इसको यस करना है और उसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद हम अपनी एंट्रीज करेंगे। हम पहली जो एंट्रीज कर रहे हैं हम कर रहे हैं रजिस्टर्ड डीलर लोकल GTA। सपोज मेरे को इससे एक बिल मिला है 10,000 का, तो हम उसके लिए एंट्रीज कर रहे हैं यहाँ क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ टैली ने ऑटोमेटिकली यहाँ पे इसको परचेज टैक्सेबल ले लिया है। इसको एंटर करेंगे और फिर टैक्स आंसर पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको आपको जो टैक्स लाइबिलिटी बनती है वो आप यहाँ आपको लिखी हुई मिली जाएगी। आपका सेंट्रल टैक्स कितना है और स्टेट टैक्स कितना है यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा और नीचे आपको लिखा हुआ मिलेगा अमाउंट ऑफ टैक्स सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज, मतलब कि इस पर आरसी में एप्लीकेबल है। इसको आप बैक करेंगे और इसको आप सेव कर लेंगे। हाँ एंट्री करेंगे अनरजिस्टर्ड डीलर लोकली। ये भी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, ये भी 10,000 और यहाँ देखेंगे यहाँ पे नेचुरल ट्रांजेक्शन अपने आप ही परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर आ गया। इसको आप एंटर करेंगे और यहाँ पर भी आप टैक्स आंसर पे क्लिक करके देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको आप जो टैक्स एक्टिव बनती है आरसीएम के अंदर वो आपको यहाँ लिखी मिलेगी। इसको बैक करेंगे और इसको सेव कर लेंगे। यहाँ पर मैंने आपको एग्जेम्प्ट एंट्री ट्रांजेक्शन की एंट्रीज नहीं बताई है क्योंकि उसके लिए मैंने पहले भी वीडियोस बनाई हुई हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसके लिंक पर क्लिक करके उसके वीडियोस देख सकते हैं। अब हम इसको अपने GST रिपोर्ट्स में चेक करेंगे, तो उसके लिए आप वापिस जाएंगे जाएंगे डिस्प्ले में स्टडी रिपोर्ट्स GST और GST R2 में। यहाँ आप देखेंगे आपको यहाँ पर B2B इनवॉइस में आपका जो रजिस्टर्ड GTA था उसकी एंट्री यहाँ पर आपको शो हो जाएगी और आपका जो अनरजिस्टर्ड GTA था उसकी एंट्री आपको नीचे B2B UR एंट्रीज में यहाँ पे शो हो जाएगी। अब हम देखेंगे जब हमारा GTA जो है रजिस्टर्ड है पर इंटरेस्टेड है तो उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे, तो वापिस जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर में, यहाँ पे लेंगे रजिस्टर्ड इंटरेस्टेड GTA और ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, उसके लिए मैं ले लेता हूँ 10,000। अब यहाँ देखेंगे यहाँ पे अपने आप इंटरेस्टेड परचेज टैक्सेबल आ गया, इसको एंटर करेंगे और फिर टैक्स आंसर पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको IGST 5% यहाँ पे शो हो जाएगा और नीचे आपको लिखा मिलेगा अमाउंट ऑफ टैक्स सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज, इसको बैक करेंगे और उसको सेव कर लेंगे। अब दोस्तों हम बात करेंगे जब आपका GTA अनरजिस्टर्ड है और इंटरेस्टेड है, जिसमें कि लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। अब वो प्रॉब्लम क्यों आती है हम उसके बारे में बात करेंगे। पहले हम अपना लेजर सेलेक्ट कर लेते हैं, हमारा अनरजिस्टर्ड इंटरेस्टेड GTA, ट्रांसपोर्टेशन चार्जिस 10,000। अब देखेंगे आप देखेंगे यहाँ पर बाय डिफॉल्ट टैली ने इसको इंटरेस्टेड परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर टैक्सेबल ले लिया है, बट
जब आप इसको सेलेक्ट करके अपनी एंट्री पोस्ट करते हैं तो ये आपका जीएसटी आर रिपोर्ट में शो नहीं होता। अब वो शो क्यों नहीं होता, क्योंकि दोस्तों गवर्नमेंट ने 13 अक्टूबर को अपने एक नोटिफिकेशन इशू किया था जिसका नंबर है 32/2017, जो कि इंटीग्रेटेड टैक्स के लिए था, जिसके अकॉर्डिंग आपका डीलर अगर अनरजिस्टर्ड है और इंटरेस्टेड है तो वो उसका उसके ट्रांजेक्शन जो है वो एजेंट हो जाएगी और उस पर आसेम एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है इंटरस्टेट परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर सर्विसेज, इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे और फिर अपनी एंट्रीज करेंगे। यहाँ पर आप टैक्स वाले से क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको कोई भी टैक्स शो नहीं होगा। फिर इसको आप पैक करेंगे और इसको सेव कर लेंगे। आप जीएसटी रिपोर्ट में चेक करेंगे डिस्प्ले स्टडी रिपोर्ट्स जीएसटी और जीएसटी आर टू में, तो आप देखेंगे ये एंट्री अब आपकी शो हो जाएगी नीचे रिलेटेड इनवॉइस में। तो ऐसे आप अपनी जीएसटी आर रिपोर्ट्स को इसके एंट्रीज को भी शो कर सकते हैं। अब दोस्तों आप नीचे देखेंगे आपको यहाँ नीचे लिखा मिलेगा रिवर्स रिवर्स चार्ज लाइब्रेरी टू बुक, मतलब आपको आरसीएम के अंडर इतनी रिवर्स अपनी लाइब्रेरी इतनी बुक करनी है। तो उसके लिए आप एंटर करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका दो बिल जो है वो रजिस्टर्ड डीलर रजिस्टर्ड जीटी का है और एक अनरजिस्टर्ड जीटी का है। तो मतलब आपका जो लैपटॉप बुक करनी है दो दो जो दो आपको सीजीएसटी करनी है 20,000 पे, एनजीएसटी करनी है 20,000 पे और आईजीएसटी करनी है 10,000 पे। यहाँ पर आपको अपनी लैपटॉप बुक करनी है और अपना आईटीसी भी बुक करना है। तो उसके लिए आपको एसमेंट एंट्री करनी पड़ेगी। उसके लिए आप जाएंगे यहाँ पे एस्टेट एसमेंट पे, यहाँ पर आप प्रेस करेंगे बैक स्पेस, यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है इंक्रीज ऑफ टैक्स लाइबिलिटी एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसको आप एंटर करेंगे और फिर यहाँ पर आप अपनी एसमेंट एंट्री करेंगे। ये एंट्री जो होगी आपकी होगी 31 जुलाई को। यहाँ डेबिट में ले लेंगे आईजीएसटी, हमने आईजीएसटी का लेजर बनाया नहीं था तो हम क्रिएट कर लेते हैं। प्रेस करेंगे और प्लस सी, रिटर्न टैक्सेस, जीएसटी, इंटरेस्ट टैक्स, यहाँ से क्रेडिट ले लेंगे हम 5%, और जो हमारी टैक्सेबल वैल्यू थी वो थी 10,000 और जो हमारे वैल्यू आ रही थी वहाँ था हमारा 500। और फिर यहाँ डेबिट में ले लेंगे हम सीजीएसटी, ये था हमारा 2.5%, उसकी जो टैक्सेबल वैल्यू थी वो थी 20,000 और ये भी हमारा 500। ऐसे ही डेबिट में लेंगे एस जी एस टी 2.5%, 20,000 और ये भी 500। अब यहाँ हमें क्रेडिट में लेना है आई जी एस टी 5%, टैक्स वैल्यू 10,000, 500। ऐसे यहाँ क्रेडिट में ले लेंगे हम सी जी एस टी 2.5%, 20,000 और ये 500। यहाँ पे लेंगे सी जी एस टी एस जी एस टी 2.5%, टैक्स वैल्यू 20,000 और यहाँ 500, और इसको एंटर करके सेव कर लेंगे। आप देखेंगे यहाँ पर आपकी लैपटॉप भी बुक हो गई और आपका आईटीसी भी बुक हो गया। पर दोस्तों आप अपनी आईटीसी जब भी क्लेम कर पाएंगे जब आप अपने आरसीएम की पेमेंट कर देंगे। तो पेमेंट करने के लिए आप अभी जाएंगे और यहाँ पर आप बैलेंस शीट में देखेंगे तो यहाँ बैलेंस शीट में भी आपको यहाँ पर कुछ भी शो नहीं हो रहा है। तो आपको आरसीएम की पेमेंट करनी है, उसके लिए आपको जाना है अकाउंटिंग वाउचर में, जाना है पेमेंट वाउचर में, उसके लिए आप प्रेस करेंगे F5, या अपनी डेट चेक करेंगे लेकिन 1 अगस्त, या आप सेम मंथ को करना चाहें सेम मंथ को भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको प्रेस करेंगे F12 और अपने सिंगल एंट्री मोड को आप यस कर लेंगे, इसको यस करके सेव कर लेंगे। और यहाँ पर आप ले लेंगे, आपको प्रेस करना है यहाँ पे ऑड प्लस एस, या फिर यहाँ पे यहाँ लिखेंगे स्टेट पेमेंट पर क्लिक करेंगे, यहाँ लेंगे जीएसटी 1 जुलाई से 1 जुलाई, और यहाँ लेंगे आप रिसिपिएंट लाइबिलिटी, और यहाँ पर आप कैश या बैंक जो भी लेना चाहे वो ले लेंगे, मैं कैश ले रहा हूँ। और यहाँ पर आप ले लेंगे आईजीएसटी 500,
CGST 500 और SGST 500 और इसकी पेमेंट कर देंगे। अब बैलेंस शीट पे चेक करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर आपको ड्यूटी एंड टैक्सेस में यहाँ नेगेटिव में 1500 शो रहा है, मतलब कि अब आप इस पर ITC क्लेम कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि कैसे आप जब किसी रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड लोकल या इंटरस्टेट GT की एंट्रीज करते हैं तो इसको आप टैली में कैसे पोस्ट करते हैं और इस पर RCM कैसे अप्लाई करते हैं और इसकी पेमेंट की एंट्री आप कैसे करते हैं। दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा। थैंक यू।